बरेली मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने कहा कि उर्सी रजवी में इस साल बड़ी तादाद में पूरे भारत से लोग आ रहे हैं। हर साल उर्स के पोस्टरों में मजार पर औरतों की हाजिरी के संबंध में स्पष्ट तौर पर छाप कर मना किया जाता है, मगर इसके बावजूद भी महिलाएं नहीं मानती हैं आला हजरत की अकीदत व मोहब्बत में दूर दराज से चली आती हैं। इसीलिए इस बार महिलाओं और छोटे बच्चों को उर्स में न आने के लिए सख्ती से कहा गया है। हम दरगाह आला हजरत के सज्जादा नसीन मुफ्ती एहसन रजा कादरी द्वारा लिए गए निर्णय का समर्थन करते हैं। मौलाना ने आगे कहा कि दरगाहों पर महिलाओं की हाजिरी के संबंध में आला हजरत ने अपने फतवे में नाजायज लिखा है, इसीलिए आने वाले तमाम जायरीन से गुजारिश करते हैं कि उर्स में शिरकत करने के लिए अपने साथ महिलाओं और बच्चों को ना लाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से असुविधा हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरगाह आला हजरत के सज्जादा नशीन हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहसन रजा कादरी साहब की अध्यक्षता में मीटिंग में ये तय पाया कि आला हजरत का उर्स जो 21, 22, 23 सितंबर को मुनक़िद होगा, इसमें खवातीन यानी महिलाएं और बच्चे ना आएं। इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि उर्स में भीड़ भाड़ होगी तो खवातीन और बच्चे आएंगे तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और इसी के साथ साथ में आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फतवा है कि औरतें मज़ार पर ना जाएं। तो इस फतवे की रोशनी में भी सभी को मना किया गया है, और मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूं कि उर्स रजवी में आने वाली खवातीन और बच्चे ना आएं, ताकि उर्स के दरमियान कोई गैर इंतज़ामी सूरत हाल पेश न हो। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।